तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के बारे की जो टॉपिक पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ये गॉस लॉ या गॉस थ्योरम दोनों एक ही बात है। ये इसका हम लोग स्टेटमेंट पढ़ें, इसका हम लोग इसका प्रूफ कैसे किया जाए ये हम पढ़ेंगे इसमें, और बहुत सारे इससे रिलेट हम न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके लिए जेई में या फिर आपका नीट के लिए उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए उसकी जरूरत पड़ेगी। तो गॉसेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, उससे पहले हम थोड़ी सी बात जाने। पिछली क्लास में जो पिछला वीडियो था उसमें आपने पढ़ा था कि अगर कोई एक इनक्लोज्ड सरफेस है, वहां पर हमने स्फेरिकल लिया था लास्ट, उसका आर्टिकल आप जाए तो देख सकते हैं पिछली वीडियो के लिए, वो स्फेरिकल है, उसके मिड पॉइंट पे चार्ज रखा गया था और उस चार्ज से जो निकलने वाला फ्लक्स था वो फ्लक्स कैसा था, वो फ्लक्स क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। और वहां पर हमने कहा था कि दिस इज द गॉस लॉ, दिस इज द गॉस थ्योरम, ये गॉस लॉ या गॉस थ्योरम था। तो उसी गॉस लॉ या गॉस थ्योरम को हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए लोग इसको स्टेटमेंट करते हैं। तो भाई किसी एक क्लोज सरफेस की बात हो रही है तो यहां हम बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से अगर पास होता है, इज वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास आउट कर रहा है किसी एक एरिया से जो क्लोज्ड है, तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू का कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग डिनोट करते हैं फाइ E से, और अगर हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो यहां क्लोज इंटीग्रल लगाते हैं, हमने बताया था आपको, यहां पर E और इसके साथ dA, ये आपका टोटल फ्लक्स आएगा जो उस क्लोज सरफेस से निकलेगा, और ये टोटल, ये भी टोटल, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेगा, उससे पास आउट करेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके थोड़ा प्रूफ पे, प्रूफ देखते हैं भाई क्या है। यहां नेट चार्ज का एक मतलब है कि वो क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका आप नेट करोगे, जैसे हो सकता है कि टू आर मोर देन चार्ज हो सकते हैं, ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, नेट उनका चार्ज निकाल लेंगे। तो अभी हम आगे जैसे जैसे प्रोसेस करेंगे आपको समझ में आएगा। अच्छा, सब समझाऊंगा भाई बढ़िया से, इसका प्रूफ करते हैं। हम एक एक स्फेयर लेते हैं। ओके जनाब, ये स्फेयर है, स्फेयर मतलब ये थ्री डायमेंशनल है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि ये थ्री डी है, जो आपका ये सरफेस है वो थ्री डी है। इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया है इस ओ पॉइंट पे। ओके, हमको इससे निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम तो पहले ये कर लें कि कंसीडर, लेट अस कंसीडर भी कर सकते हो, कंसीडर ए
चार्ज कौन भाई प्लस क्यू इज द प्लेस्ड प्लेस्ड इन साइड द कहां पर स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, मतलब हमने स्मॉल आर रेडियस के अंदर उस चार्ज को रख दिया। अच्छा अब क्या करना है कि ये भाई रेडियस इसकी कितनी है, आप बोल रहे थे कि यार है ओके चार्ज यहां है, तो इस चार्ज से जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी ना वो बाहर की तरफ, ये बाहर हो गया, ये टड़ंग टड़ंग, ये टड़ंग 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 कुछ ऐसे करके ऐसे बाहर, एक टड़ंग टड़ंग बाहर, एक टड़ंग टड़ंग बाहर, ये टड़ंग टड़ंग बाहर, राइट। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो बाहर की तरफ है। अच्छा अगर हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट हमने यहां पर लिया है पी पॉइंट, ओके तो जो पी पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम क्या करें भाई इस पी पॉइंट ले लो ना, तो लेट ए पॉइंट पी पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर के सरफेस पे हमने एक पॉइंट ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई बोलो यार इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, 1/4πε0qr² होता है, यही हम लोग जानते हैं एकदम आराम से, 1/4πε0q/ कितना r स्क्वायर, यार स्क्वायर हो गया 1/4πε0q/r² ऑफकोर्स। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया, अब बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब इस पी बेचारे की डायरेक्शन बाहर होगी, ओके। अब क्या करना है कि एक छोटा सा एरिया लेना है, ऐसा एक एरिया, ये एरिया हमने कैसा लिया है, वो जो पी पॉइंट था उसके अराउंड, ना ही समझ में आवा, उसको आप उस जो पी पॉइंट है ना उसके अराउंड आप एक एरिया ले ले, तो उस एरिया को हम लोग यहां लेते हैं, तो मैं आप फिर से कर देते हैं, लेट ऑस एजूम, ऐसा हम लोग लिखते जाते हैं, लेट एस एजूम ए स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया आर एलिमेंट जैसा लिख सकते हो, स्मॉल एरिया कहां कर रहे हो आप, अराउंड द पॉइंट पी, उस पॉइंट पी के अराउंड हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, ओके। अब अगर एरिया हमने लिया है तो इसकी डायरेक्शन किधर, उसके परपेंडिकुलर बाहर, क्योंकि ये 3D है, तो 3D में हम लोग आपको बताए थे ना किधर बाहर, सब तरफ क्या रहेगी बाहर, तो इसके एरिया की डायरेक्शन इधर होगी। तो अब एक बात ये है कि ये जो फील्ड लाइंस निकालेगा वो इस पे भी सब तरफ जाएगी, तो ये जो छोटा सा एरिया है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो खपोच ऐसे निकल के जाएगी ना उस एरिया से, तो इस एरिया से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल कर जाएगी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। अच्छा तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताओ भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ किससे भाई, स्मॉल एरिया, उस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स लिंक करेगा, बड़ा आसान सा काम डी बच्चा ना, इतना होगा ये तो आपको पहले से पता है, ओके। अब बात रही इसमें ये कि दोनों की डायरेक्शन किधर है, एक तरफ है, इट मींस कि भाई ई और ये आर जो है, ई और डी ए ये पैरेलल है,
पैरेलल है और एक डायरेक्शन में है, ये भी है। तो यहां पर इनके बीच का एंगल जीरो, तो डी ए कॉस यहां जीरो, इट मींस ई इन टू डी ए, कॉस जीरो की वैल्यू वन, इसलिए यहां पर आ गया आपका डी फाइव इज इक्वल टू इतना आया ना। अब क्या करना है हमको, तो इसके लिए फ्लक्स नहीं निकालना ना, छोटे से पार्ट के लिए हमें सबके लिए चाहिए। अच्छा इसके लिए भी चाहिए, यहां पर छोटा सा पार्ट, छोटा सा छोटा सा छोटा सा छोटा सा, ऐसे सबके लिए चाहिए। तो और उस स्फेयर में सोचो, ऐसे कल्पना करो कि वो स्फेयर है, एक बॉल है गेंद, उसपे छोटे छोटे एरिया सब तरफ ले लिए गए, तो उन सबके लिए हमें फ्लक्स निकालना है, क्योंकि ये जो चार्ज यहां प्लस क्यू रखा गया है उससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होगी वो तो बिल्कुल सिमेट्री है, चारों दिशाओं में समान रूप से फैलेंगी समान रूप से। अगर ऐसा होता है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो भाई यहां कर लो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, फाई ई, इसको क्या करते हो, अरे वही करते थे इंटीग्रेशन करते थे, कैसा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रल करते थे, क्योंकि वो सरफेस कैसा है, बंद है बिल्कुल, ओके ई की वैल्यू यहां से वहां रखते हैं, तो क्या आएगा भाई, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, बोलिएगा कितना, ई की वैल्यू वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसके साथ डी ए। अब रहा इंटीग्रल का सवाल, तो इंटीग्रल कहां पर आप लगाओगे, किस पे काम करेगा, तो ये बात सोचने जैसी है, किस पे काम करेगा, सोचो काम जनाब इस पे करेगा कि ये वाला छोटा पार्ट ऐड होकर इसके पूरे सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा, तो यार इनको बाहर भगाओ ना, क्यू अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रल डी ए, इस डीए को इंटीग्रल फॉर्म में करना है, तो ये डीए किसके इक्वल हो सकता है, इसकी टोटल एरिया के इक्वल हो जाएगा, तो टोटल एरिया इसकी कितनी, फोर पाई आर स्क्वायर, फोर पाई से पाई खटाक, यहां पर स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर खटाक कट गया भाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई ई की वैल्यू क्या करी, यहां बच गई, तो इसका मतलब कि हम ये आराम से प्रूव करेंगे, तो इस तरह से आप पूरा लिखेंगे इसका प्रूफ और बेहतर ढंग से आप करेंगे, तो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आप नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छे, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम कुछ इसका पॉइंट्स करेंगे, वो आप ध्यान दीजिएगा उस पॉइंट को बेहतर ढंग से, तो आपको हम यहां बताते हैं, ओहो चलिए करते हैं, इसे हटा दिए हैं, लिख लिए इसको, बहुत अच्छे, अच्छा चलिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, और वो पॉइंट्स क्या है ये सारी चीजें आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, तो पॉइंट नंबर वन ये थोड़ा ध्यान देने वाली पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर वन ये है कि जो हम चार्ज उसमें रखेंगे वो चार्ज डिपेंड हो, जो फ्लक्स है वो किस पे इंडिपेंडेंट होता है, यही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट बोली किस पे, ऑन पोजीशन ऑफ चार्ज विद इन इनक्लोज्ड सरफेस, मतलब उस बंद सतह के अंदर जो चार्ज रखा गया है उसकी पोजीशन कहां है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, अगर कंसेप्चुअल अंदर जाए तो ये हर चीज के लिए नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग कुछ चीज के लिए लगाएंगे, जैसे वो एक स्फेयर हो तो इसके लिए काम कर जाएगा, मतलब अभी अभी आपने स्फेयर के लिए
अगर यहां सेंटर पे चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, फाइ ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ईएन होगा। और अगर यही बात आपको ऐसा कर दिया जाए, ये चार्ज यहां पर रख दिया जाए, ओके यहां चार्ज रख दिया जाए, तब इसका फ्लक्स कितना होगा भाई बोलो। अरे तब भी भाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, हमें नंबर से मतलब है, जितनी फील्ड लाइन्स इधर जाएंगी, कुछ फील्ड लाइन इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, कुछ ऊपर नीचे सब समथिंग, तो हमें टोटल फ्लक्स है ना, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स वो पास आउट करेंगे उससे। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके अंदर रखे हुए उस पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर यही चीज सपोज दैट कुछ दूसरे ढंग की रहती, जैसे वो क्यूब होता, तो उसके लिए हम लोग अलग से करते, तो उसके लिए हम लोग बात समझेंगे, राइट। कुछ चीज और भी समझते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या करता है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। जो क्लोज सरफेस है उसकी शेप और साइज से नहीं मतलब। कैसे? जैसे कि पहले मैं साइज को समझाता हूं। ये मान लीजिए एक छोटा सा स्फेयर है, इस स्फेयर के अंदर एक चार्ज रखा है ना, तो इस स्फेयर के अंदर एक चार्ज रखा है, ये तो बढ़िया स्फेयर ना ही बना, कोई बात नहीं, ऐसा रखा है। इसकी रेडियस समथिंग कर लो, चलो आर कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसके बाहर एक दो आर जिसकी त्रिज्या है, एक अलग का स्फेयर है, ये इससे एक यहां पर एक थ्री आर का स्फेयर है, यहां पर इस तरह का है, ये अंदर वाला आर है, समझिएगा ये अंदर वाला आर, और उसके बाहर वाला टू आर, उसके बाहर वाला थ्री आर, उसके बाहर और भी बड़ा ले सकते हो। आइए इन बातों को समझते हैं। तो जो फ्लक्स है ना भाई, वो फ्लक्स कैसा होगा? देखो जो फ्लक्स हम निकालेंगे वो किस ढंग का आएगा। जो फ्लक्स कह रहा है कि ये फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, तो क्या ये सबके लिए लागू होगा? किस सबके लिए लागू होगा? तो इसके लिए आपको एक बार ध्यान देना है, इसको मैं कंसेप्चुअल समझा रहा हूं, आप बढ़िया से ध्यान से देखिए, अगर आप चाहो तो उसको उस तरह से गॉस थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, अगर इस छोटे से खाने से फील्ड लाइन से निकल रही है, बताइए वो जो छोटे अंदर वाला पार्ट है पोर्शन, उससे कितनी फील्ड लाइन निकल रही है? क्या जितनी उससे निकल रही है उतनी ही फील्ड लाइंस इस दूसरे जिसकी रेडियस है 2r उससे भी निकल रही है? हाँ जी, जितनी पहले वाले से उतनी दूसरे वाले से, उतनी तीसरे वाले से, उतनी चौथे वाले से, ओके है ना, है कि नहीं है बोलो। एक दरवाजा है, छोटा दरवाजा, राइट, एक और छोटा दरवाजा, इससे तीन बच्चे निकलते हैं, तो वही तीन इससे निकल जाएंगे, वही तीन किससे निकल जाएंगे इससे, तो हम पूछेंगे भाई इस तीनों दरवाजे से कितने लोग निकले हैं, तो आप कहोगे तीन तीन। तो यार हमें केवल नंबर करना है ना, कि कितना गिन के बताना है कितने हैं, तो इससे सबसे निकलने वाली फील्ड लाइन्स कितनी है, इक्वल है। अगर इनसे निकलने वाली फील्ड लाइन्स इक्वल है, इसका मतलब इसका सबके लिए फ्लक्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये निकलता है, क्या निकलता है, कि ये जो है शेप अभी नहीं, साइज पे डिपेंड करता है, साइज छोटा हो बड़ा, ओके साइज छोटा हो बड़ा हो, ये बात आप नहीं निकलता है, ओके बहुत अच्छे समझ गए। अच्छा अब बात रही शेप, जैसे दिस ओके
दिस ये आपको मैंने अलग अलग शेप बताया है। ओके हम इसमें चार रख देते हैं इसके अंदर और यहां पर, तो इनसे जब हम पूछेंगे कि टोटल फ्लक्स कितना है तो चार्ज जितना है उसका 1/ε0 हो जाएगा। तो इसके लिए भी फ्लक्स कितना q/ε0, इसके लिए भी फ्लक्स कितना q/ε0, इसके लिए फ्लक्स कितना q/ε0, इसके लिए फ्लक्स कितना q/ε0। टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो इन सभी शेप के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा q/ε0। ओके बात समझ में आई। अच्छा अब थोड़ा एक और चीज पे चलते हैं कि चार्ज बाहर रखा हो तब क्या होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी सी बात है, आप इसे जरूर लिखा करें, पूरी तरह से लिखना जरूरी होता है, और लिखेंगे तो बढ़ेंगे। अच्छा तो यहां पर हम एक बात बता रहे थे आपको कि जो फ्लक्स है टोटल की बात कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इनडिपेंडेंट, किस पे यार, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ऑन आउटसाइड चार्ज, आउटसाइड चार्ज। कहने का मतलब ये है कि जिस चार्ज को हम बाहर रखे हैं उस पे ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मैं लिख भी दूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। कैसे, जैसे कि आप सोचो कि ये कोई एक टेढ़ा मेढ़ा सा पार्ट है, यहां एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है इस ओ पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलकर जा रही हैं, इस वाला एक एरिया है, ये वाला एक एरिया है, राइट। इस एरिया का नाम डी ए वन है, इस एरिया का नाम है डी ए टू। ओके तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो हम कहेंगे अगर अलग अलग आप एरिया के लिए पूछते तो इसके लिए अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना आता अलग नहीं आता, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके लिए आता उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके लिए आता, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं टोटल की। तो यार टोटल ऐसे सोचो ना, जितने आए उतने चले गए, जितने आए उतने चले गए, मतलब ना कि उसमें बचा नहीं कोई, तो जितना फील्ड लाइंस आई उतनी फील्ड लाइंस पास आउट कर गई, तो यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां बना, नहीं बना ना, टोटल नहीं बना। ओ यार समझने की कोशिश करिए, कितनी बार ही बात मैं बता रहा हूं कि जितनी फील्ड लाइंस आई उतनी फील्ड लाइंस चली गई, तो यार अगर आने तो जाने वाले को माइनस, इसका मतलब कि दोनों फ्लक्स कैंसिल आउट हो गए, तो कोई भी फ्लक्स नहीं बना। तो इसलिए ये आउटसाइड अगर चार्ज है उस क्लोज सरफेस के, तो क्या करेंगे, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ओके तो किसके, क्लोज सरफेस के, अगर बाहर चार्ज रखा गया है तो उस पे वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। ओके अच्छा अब एक चीज ये है कि हमको एक मान लीजिए बताना हो, इफ यस1 यस2 यस3 आर क्लोज्ड सरफेस देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनके लिए अलग अलग है φ1 φ2 और ये φ3, हमें इनको φ1 φ2 φ3 फाइंड करना है। तो आप पहले थोड़ा सा देखें कि ये जो फिगर है वो किस घंटा बनेगा, तो हम इसमें एक लास्ट शुरू में ऐसा कर देते हैं, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया जाए, थोड़ा सा इसे हम बनाते हैं एक मिनट में, देखिए आप बढ़िया से इसे देखिए। तो देखिए इसमें
हम लोग बनाते हैं, ये एक ये एस वन है शुरू वाला, और इसके बाद जो चार्ज है वो क्यू वन है राइट। इसी के साथ एक टेढ़ा मेढ़ा हमने लिया, यहां पर जो चार्ज है माइनस क्यू टू इसके अंदर रखा गया भाई, थोड़ा मैं इसको अच्छे से बना दू आपको दिख नहीं रहा है, तो ये माइनस क्यू टू राइट, ये माइनस क्यू टू है, थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए था, और यहां पर क्यू थ्री है और यहां पर प्लस क्यू फोर है, और ये पूरा सिस्टम एक इस तरह से क्लोज्ड है। इसी का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, बहुत आसान ढंग से समझिएगा, ये एस वन है और ये एस टू है, लास्ट वाला एस थ्री, तो तीन है हमारे पास सरफेस। तो आपको कुछ करना नहीं है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन देखना है कि टोटल फ्लक्स कितना होता है कैसे। जैसे आपको अगर हम फार एस वन की बात करें ना, तो बोलो क्या होगा इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने इसमें फाई वन किया है वो क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है, तो इस एस वन के लिए कितने चार्ज है। देखो एस वन के अंदर अगर देखा जाए तो क्यू वन प्लस में और क्यू टू माइनस में, यानी कि Q1 वन माइनस क्यू टू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कौन सा सवाल बता रहे हैं सर जी, ऐसा सवाल होता है जी। इसके बाद इस दूसरे वाले सर्फेस को अगर ध्यान से देखा जाए जो S2 है, उसमें दो चार्ज है, एक Q2 है और एक Q3 है, तो इसके लिए कितना भाई, माइनस Q2 प्लस Q3, अफकोर्स आप कैसा भी कर सकते हो, फिर बोलिएगा इसके लिए कितना, फाइव थ्री, और बोलो फाइव थ्री वाले को चलो करते हैं। अब हम बात करें इस पूरे वाले के लिए, इसके लिए बहुत सारे चार्ज इनक्लोज्ड होंगे ना, देखिए एस क्यू वन क्यू टू माइनस क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर सब होंगे, तो क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फोर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हां जी, ऐसा क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें और फिर इसे करते हैं, फिर हम लोग और क्वेश्चन करते हैं राइट। इसे देख लीजिए अच्छे से ध्यान से, और इसे आप नोट जरूर किया करिए कि ये क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन यहां कर किया जाए, इसको आपने नोट कर लिया, आइए बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में हम एंट्री करेंगे, आपको बढ़िया क्वेश्चन समझाया जाएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ये कि इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू किसके लिए, पार्ट, अभी फिगर बनाता हूं, पार्ट ए बी इज फाइव, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिमेनिंग, जो बच जा रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फीयर। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह का है, एक स्फीयर है ओके, और उसमें एक छोटा सा पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ए बी ओके, इसके अंदर चार्ज रखा गया है, और कह रहा है कि आपको इसके लिए जो बच रहा है पार्ट ए बी का जो फ्लक्स दिया है, इसका फ्लक्स फाई, और आपको बताना किसका है ये टोटल, जो बच रहा वही पार्ट बताना, तो हमें कुछ नहीं करना यार, विद इन द चार्ज है ना, उस इनसाइड द चार्ज है उसके अंदर, तो क्या सोचोगे यार, आप तो वही कह रहे थे कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो, तो हम क्यों नहीं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते, एक इसके लिए फाई कर दिए हां जी, और जो इधर का बच रहा है उसको फाई डैश कर दो, नहीं होगा फाई डैश चलो, तो अब क्या हमें किसका बताना है, जो पार्ट बच रहा है उसका हमने फाई
फाइव डैश ई कर दिया, तो फाइव डैश ई इज इक्वल टू क्यू अपान कितना एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव, इसका मतलब इसका फ्लक्स इतना होगा, कोर्स इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन क्या है ये मान लीजिए, कुछ को थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नहीं है, हम बस पॉइंट से याद करवाते हैं, थोड़ा सा उसको डिटेल कर दें और आप ध्यान से उसे समझते रहिएगा तो मजा आ जाएगा। जैसे कि एक जगह मैं उसे बताऊंगा अभी आपको, अभी सवाल एक न्यूमेरिकल में, तो यहां मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा और ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर समझिएगा, मजा आ जाएगी। कॉन्सेप्ट है तो बात है बहुआ, अच्छा कैसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही है भैया, अच्छा ये बना रहे हो, बना लो भाई तब मुझे बता देना ऐसा क्या है। ये सारी चीजें हैं, इनसे निकलने वाला हमें फ्लक्स समझना है, तो आप बढ़िया से समझिएगा, मैं एक डिटेल करता हूं, और इसके लिए कितना फ्लक्स होगा, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, सबके लिए। तो अगर ये ऐसा होता, इनक्लोज्ड होता, तो कितना आता क्यू पर एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज के लिए हम ऐसा मानेंगे कि वो सिमेट्री है, इट मींस ऐसा सोचो कि जो चार्ज यहां रखा गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह का बाहर उस तरफ निकालेगा, फिर इधर भी तो निकालेगा ना, सोचो सोचो सोचो। तो हम ऐसे समझेंगे कि जितनी ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऊपर के लिए कोई सरफेस नहीं है ना, कोई सरफेस नहीं है, तो ऊपर के लिए कोई सरफेस नहीं है और नीचे के लिए सरफेस है जिससे वह लिंक करेंगी, यानी कि सरफेस से स्ट्राइक करते हुए जाएंगी, उससे टच करते हुए जाएंगी, तो यहां पर ये फील्ड लाइंस जो हैं वो इसको वॉच ऐसे करते जाएंगी, ऊपर वाली ट्रेन ट्रेन वो तो बिल्कुल किसी को टच नहीं करे, मिला नहीं कुछ ना यार, नहीं मिला, तो नहीं मिला इसका मतलब कि ये फील्ड लाइंस आधी क्या करेंगी, इधर करेंगी, तो जो फ्लक्स बनेगा उसका कितना पोर्शन, आधा। तो यार ये आप नहीं समझ पाए कि फाई क्यू अपान टू एप्सिलॉन नॉट, ऑफकोर्स इसका बोलो वही यार कि इसके लिए भी आधा पोर्शन दर आधा पोर्शन दर, तो जो इस सेलिंग करेगा वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, कितना वही वही क्यू अपान टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप बढ़िया से याद रखिए और ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में भरे रहिएगा और इसे लगाइएगा तो आपको सवाल बेहतर ढंग का समझ में आएगा। तो आइए हम लोग एक जो क्यूब होता है, क्यूब में बच्चे बड़ा यार इंटरेस्ट लगा है सर, क्यूब वाला बड़ा कह रहे थे बच्चे क्यूब वाला, तो क्यूब वाले के लिए आओ मैं पूरे क्यूब में जहां जहां वो चार्ज हो सकता है उन सभी को एक्सप्लेन करता हूं, राइट। तो आइए करते हैं क्यूब वाले के लिए, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, पूरे क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एक हम क्यूब लेते हैं और सबका एक्सप्लेन मैं करूंगा, जितने से न्यूमेरिकल बन सकते हैं सारे न्यूमेरिकल किए जाएंगे भाई, तो आप घबराते काहे हो। लेकिन भाई एक बात और है, इस जो चैनल है ना थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो तो लगेगा कि हाँ ठीक है, नहीं तो कैसे लगेगा, इसलिए ये बात आपको समझनी चाहिए। ये देखो आपका एक क्यूब है, अच्छा तो ये आपका क्यूब है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि कितने टाइप के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं मजा आएगी अब। अच्छा तो देखो चार्ज की पोजीशन वन पे हो सकती है, ओके चार्ज की पोजीशन यहां हो सकती है, ये दूसरे पोजीशन पे हो सकता है, इसका जो एज है ना एज है तो उसके सेंटर पे भी हो सकता है, तीसरा इसके वर्टेक्स पे भी हो सकता है तो वर्टेक्स हो सकता है, इनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने कितने होते हैं तो मैं यहां बता दूं, थोड़ा सा इसी को हम बताएंगे इस सवाल में, आप इसे याद भी कर सकते हो यार नहीं कर सकते,
वन, ये पोजीशन है भाई चार्ज, है ना? ठीक है, तो पोजीशन ऑफ चार्ज, पोजीशन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां हम किसी एक सर एक फेस की बात नहीं कर रहे, हम इसमें पूरे से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो हम उसको भी समझाएंगे, इसको भी समझाएंगे। तो इसके लिए बताओ पोजीशन पहली वाली कहां पर है? सेंटर ऑफ बॉडी या बॉडी सेंटर जैसा बोलो, तो इसके सेंटर पे रहेगा तो हमेशा कितना फ्लक्स, वही गॉस थ्योरम के अनुसार कितना होगा। अगर ये रहा कहां पर, सेंटर ऑफ फेस, फेस सेंटर या सेंटर ऑफ फेस, तो कितना ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी, टू एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाले चले जाएंगे, चला बच जाएगा। इसके बाद बोलो सेंटर ऑफ एच, क्या एच सेंटर कितना, फाइ इज इक्वल टू क्यू अपान फोर एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा इसको हटा दो भैया, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो इसे, नहीं तो। अच्छा बोलिए क्या है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पे कितना होगा, फाइ इज इक्वल टू क्यू अपान आठ एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनको हम बारी बारी से, तो देखिए वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है। अब इसमें आइए बारी बारी से हम लोग एक एक पोर्शन करते हैं, तो हम अलग अलग इसको समझा देते हैं, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा भाई। तो आओ देखा जाए, ये देख लो भाई कितना होगा, ये दो टोटल फ्लक्स वही होगा। तो हम फर्स्ट वाले पोर्शन पे चार्ज रख देते हैं, टोटल फ्लक्स कितना, तो जब आपसे इससे पूछेगा कि टोटल फ्लक्स कितना, तो आप क्या करोगे, Q अपॉन नहीं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लोगे। लेकिन इसी से एक और बनता है, वो ये कहता है कि इसके एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। आइए एक फेस वाला समझते हैं, इसमें टोटल कितने फेस होंगे, आओ गिनते हैं। ये वन, इधर वाला टू, इधर वाला थ्री, नीचे वाला फोर, सामने वाला जो आपको दिख रहा है वो फाइव, और इसके एक बैक है वो सिक्स। तो इसमें कितने हैं, सिक्स है, और चार्ज उसके सेंटर पे, तो चार्ज का जो सिमेट्रिकल सिमेट्री है वो हम इस हिसाब से लगाएंगे कि वो सभी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, बराबर बराबर करेगा। मतलब समझने का ये है कि अगर सिक्स फेस है और ये चार्ज से सोचो कि 36 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो सभी फेस को कितने कितने लिंक करेंगी, तो 6 6 6 इस तरह लिंक करेंगी। ओके, 6 लिंक कर रही हूं। अगर हम कहें कि वो टोटल का 6 कितना है, तो आप कहोगे कि उस टोटल का 1/6 है। टोटल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो एक से कितना निकलेगी फेस, ये नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस, तो इसके नंबर ऑफ फेस से आप मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो आ गया भाई एक फेस से कितनी निकलेगी, 6 लाइन। तो इसी तरह आप इसको समझिए, एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट करेगा, तो आप यहां बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइ ई इज पासिंग थ्रू, बोलो यार पासिंग थ्रू कितना, सिक्स फेसेस, ये 6 फेस से पास आउट करता है। तो
एक फेस से कितना पास आउट रहेगा? तो इसे हम फाइव ई डैश कर देते हैं, राइट। तो एक फेस से फाइव कितना करेगा? तो सिक्स फेस है टोटल, तो एक फेस के लिए कितना फ्लक्स आएगा भाई? बड़ा आराम से, जितना फ्लक्स था उतने का क्या, उतने में सिक्स का डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दोगे तो फाइव ई बाई, सॉरी इसका वैल्यू दो क्यू बाई टू, टू कहां से आएगा? सिक्स से एप्सिलॉन नॉट, राइट। यानी कि वह एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकालेगा? एक फेस से उसका वन बाई सिक्स कर देंगे, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई, आगे की नहीं आ गई। दूसरी चीज हम पीछे आपको क्लियर किए हैं कि अगर इसके इस वाले पे रहेगा तो आधी फील्ड लाइंस ऐसे कर लो कि वो किसी भी फील्ड को, किसी भी सरफेस एरिया को लिंक नहीं करेंगी, बाकी करेंगी तो ऐसे नीचे की तरफ आएंगी, नहीं आएंगी तो ये नीचे की तरफ आएगी, यानी इसको लिंक करेगी, और जब ऐसा हुआ तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा? आधा। वाओ वाओ वाओ, कितना हो जाएगा? आधा। अब आते हैं हम लोग इसके इस पे, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ आया तो मैं बिता देते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर टोटल के लिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और अगर एक के लिए पूछेगा तो क्यू अपान सिक्स एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा सा है, ओके। राइट, नहीं राइट, हा 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 हा। आते हैं तीसरे वाले पोर्शन में, तीसरे वाले पोर्शन को आप समझिएगा ध्यान से। तीसरा वाला पोर्शन इसके कहां पर रखा गया है? सेंटर ऑफ एच है, तो सेंटर ऑफ एच यहां रखा गया चार्ज, तीसरी पोजीशन है और यहां रख दिया गया, ओके। लेकिन आपको एक चीज देखना है कि इससे टोटल निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ओके। पहले आप इसी तरह समझ लो, इसी तरह समझते। तो इसमें देखो दो फेस ऐसे होंगे जिनसे, जिनके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, और जब कहीं पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है तो ये क्या हो सकता है? कॉस डीए, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है पैरेलल में, सॉरी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है, एरिया उसका परपेंडिकुलर हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। यहां पर देखिए इस वाले सरफेस के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करेंगी, यहां दिखा दूंगा आपको, ऐसे ऐसे खुपुच 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 खुच, 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 ट्रेन ट्रन 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 ऐसे, तो इनके लिए फील्ड लाइंस इधर हो गई, और जो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा, तो कितने बना रहे हैं? फोर जो फेस बच रहे हैं, टू निकल गए तो फोर फेस बच रहे हैं, तो उन्हीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी, ओके। तो इनसे टू तो नहीं करेगी, फोर करेगी, तो फोर कितना? वन बाई फोर टाइम्स हो जाएगा जो उसका टोटल का रहेगा फ्लक्स, जैसे उसमें 36 हो रहा था तो एक से कितना हो गया, फिर उसी तरह उसमें से फोर से कितना हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं। अगर इस पूरे क्यूब से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो जो हमारा चार्ज है ना वो अंदर होना चाहिए, तो चार्ज को अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेकर आएंगे एक इसी तरह का क्यूब जो यहां खींच खींच करके रखा है, ऐसे। अभी बात नहीं बनी, ये अभी अंदर नहीं है, ऊपर बेचारा चला गया, तो इसके लिए आप यहां पर ऐसे कर लो, नहीं ठीक है तो ठीक है ना भाई, क्या यार आप लोग भी एकदम कुछ बोलो नहीं तो क्या होगा, वही होना था जो कहूं होगा, ऐसे चार्ज अंदर चला गया, अब पूछ चला गया, चार्ज अंदर हो गया,
तो चार जब अंदर हो गया तो इसका मतलब कि इस पे कितने आपने क्यूब लगाए हैं, फोर क्यूब लगाए हैं। पहले तो इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आप बहुत आराम से बोल जाओगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुराने जमाने की तरह जैसा हो रहा था उसी तरह का। लेकिन अब हम ये जो पूरा टोटल फ्लक्स है वो कितने लोगों से गुजर रहा है, कितने उसको बंद करने के लिए कितने लोग आए, तो आप ऐसे सोचो कि इसमें हमने वन देखिए ये वन टू और ये रहा आपका थ्री फोर, यानी कि फोर क्यूब लेकर आए और उसको हमने क्लोज बना दिया। अगर ऐसा हुआ तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किससे पास आउट हो रहा है, फोर से, यानी कि फाइव ई इज पासिंग थ्रू द पासिंग थ्रू इससे फोर क्यूब, ये फोर क्यूब से पास हो रहा था, इतना फोर क्यूब से पास हो रहा, तो एक क्यूब से कितना पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग यहां लगा, चलो ठीक, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन क्यूब, तो वन क्यूब से कितना पास आउट करेगा बोलो, फाइव ई डैश इज इक्वल टू जितना हो रहा था उसका 1/4, इनमें से कितना भी क्यू अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना निकलेगा 1/3, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा आया भाई कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखिए इसे हम हटा दें, लास्ट वाला कहते हैं जो वर्टेक्स पे होता क्या होगा, हो यहां पर चार्ज यहां रखा हूं, ऐसा चार्ज यहां रखा, ओके भाई साहब इसका थोड़ा और बेहतर कॉन्सेप्ट है और बढ़िया से समझिए उस कॉन्सेप्ट को, इसे अगर हमें बंद करना है पूरी तरह से, इसे अगर हमें बंद करना है तो क्या होगा, एक यहां पर हम लगाएंगे क्यूब ना, फिर इसके ऊपर दो क्यूब लगाएंगे तभी ये उस किनारे पे चला जाएगा ना, समझ में आ रहा है, उसे सोचो कॉन्सेप्ट वन, यहां एक लगाएंगे इसके ऊपर एक क्यूब, इसके ऊपर एक क्यूब, तो ये तो चार हो गए, लेकिन ये इस वाले किनारे पे चला जाएगा, फिर हमें एक दो तीन चार लगाने पड़ेंगे, टोटल कितने लगाने पड़ेंगे क्यूब, आठ क्यूब लगाने पड़ेंगे, कितने लगाने पड़ेंगे आठ क्यूब, तो उससे जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा टोटल से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितने क्यूब लगाएंगे याद रखिएगा, इसमें नंबर ऑफ क्यूब कितने हमें करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्यूब एट क्यूब इसमें हमें इस्तेमाल करना है एजम्पशन के लिए यार, द कॉन्सेप्ट के लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, अब वो उसके सेंटर पे बीच में आ गया चार्ज, अब जब वो उसके सेंटर पे बीच पे चार्ज आ गया तो उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ये कितने के लिए है, ये एट क्यूब के लिए, ये कितने के लिए एट क्यूब, और हमारे पास तो एट क्यूब है ही नहीं है, एक सिंगल क्यूब है, तो वन क्यूब के लिए कितना होगा, फॉर वन क्यूब, बात याद आ रही है वन क्यूब के लिए, तो एक सिंगल क्यूब के लिए फ्लक्स कितना, फाइव ई, चलो डैश कर ले, जो फ्लक्स आया था
उसका 8 होगा क्योंकि टोटल फ्लक्स 8 है, तो 1 के लिए 5 अपान 8 क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट, यहां से फ्लक्स आ जाएगा 5 ई डैश क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके ऐसा बन जाएगा, बात समझ आ रही है? तो इसके लिए पार्टी, लेकिन इसमें एक चीज और समझने वाली बात है, समझने वाली बात यह है कि अगर इसके एक फेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है तो कितना होगा, एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है एक फेस के लिए देखते हैं। इसमें पहले बात तो अगर कितने फेस है, 6, क्या सभी फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं? तो देखिएगा इस वाले के लिए इस तरह पैरेलल हो जाएंगी, इस वाले के लिए भी पैरेलल हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के लिए होगा, एक इसके बैक साइड में होगा वहां पर भी ऐसा जाएगा ना नीचे, तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, एक उस किनारे पे है 3, तो इसका मतलब 3 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जाएगा क्योंकि 3 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसको परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं कर रही है, तो 3 के लिए है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है एक क्यूब के लिए, एक्चुअल वो एक क्यूब के लिए नहीं है, वो उसके 3 फेस के लिए, कितने फेस के लिए, 3 फेस के लिए। यहां से आप क्या समझेंगे कि 3 फेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस नहीं करेगी, तो 3 फेस नहीं होगा बल्कि 3 फेस, तो 3 फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कितनी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इतना है, है ना भाई, तो 5 डैश इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर किसके लिए, 3 फेसेस ना, तो बोलो 1 फेस के लिए कितना हो जाएगा, चलो हम इसको 5 कह देते हैं, इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए भाई, फॉर 1 फेसेस, फेस 1 फेस के लिए, तो आपको मैं वही पुरानी बात बता दूं, कितना भाई जो टोटल फ्लक्स आया था इस क्यूब के लिए इतना है, तो कितना हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, यानी कि क्यू अपॉन 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 5 इज इक्वल टू क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, राइट, 24 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसका भी बहुत कम हो जाएगा, तो 1/4 25 टाइम्स वो कम हो जाएगा, राइट। तो ये आपको समझ में आया, अच्छा अब एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दो, तब फिर उसको एनसीईआरटी में क्वेश्चन है भी, तो उसके बाद हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा दें, बहुत अच्छे, ओके भाई। फ्लक्स वो कह रहा है कि एक आपके पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बड़े अच्छे से देख लीजिएगा उसको, इस तरह का एक फेस है ऐसे, है ना भाई, इसका ए दे दिया है इस तरह का ए, और इसके सेंटर से ए बाय 2 डिस्टेंस पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया, ओके इसके लिए पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गिवन फेस, इस गिवन फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए गिवन फेस के लिए, एक फेस है तो पहली बात तो इसका चार्ज और सेंटर पता नहीं कहां पर है, ऊपर है, रखा गया है, तो हम पहले इसको क्या करें, इस तरह सोच लें कि ऐसा रहा, हो सकता था ऐसा ऐसा ही रहा हो, कि हम इसको चारों तरफ से बंद कर दें बेचारे को, ताकि वो मिल जाए हमको, क्या भाई कि ये उसके अंदर रखा हो, जब ऐसा हुआ तो फिर कैसा होगा, यहां पर इसके सेंटर थोड़ा दूर है, ये सेंटर पे है, कितनी डिस्टेंस यहां से है, ए बाई 2 है, आपको समझ में आ रहा है थोड़ा मोड़ा, और ये ए और ये इसी सरफेस की बात की जा रही है, तो इसका टोटल फ्लक्स कितना, टोटल फ्लक्स कितना भाई, टोटल फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन
एप्साइलन नॉट। कितने फेस हैं इसमें? सिक्स फेस है, उसको क्लोज करने के लिए सिक्स फेस की जरूरत है। और ये सिक्स फेस के बाद एक फेस से निकलने वाला, तो एपी फ्लक्स पास आउट ये सिंगल फेस, एक फेस से निकलने वाला कितना होगा? पीछे आ पड़े हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सिंगल फेस, मतलब एक फेस के लिए कितना होगा? तो आप फाइव ई करेंगे, फाइव डैश करो, थोड़ा सा अंतर कर दो आप इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये सिक्स हो जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ओके, बड़ा बढ़िया सा है, आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, राइट है ना भाई? क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन ही था, बड़ा मजेदार है भाई, सब एकदम आराम से देखें आप, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नजर आएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है, ये चार्ज है और वो सेंटर पे रखा गया किसके? एक सिलेंडर के। क्वेश्चन मैं बता दूं, क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है और इस सिलेंडर के यहां सेंटर पे रखा गया है, इसके सेंटर पे रखा गया है, और हमें टोटल अगर फ्लक्स पूछता तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते, कह रहे वाह वाह क्या न्यूमेरिकल है, सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व एरिया। इस जो कर्व एरिया है यही वाले की बात हो रही है, इस वाले के लिए फ्लक्स हमें बताना है। अच्छा, इस वाले के लिए फ्लक्स बताना है, टोटल के लिए कितना होगा? क्यों पर एप्सिलॉन नॉट, हाँ सही, तो इसके लिए कितना हो फ्लक्स? सोचने वाली बात है थोड़ा सा, लेकिन इसमें देखो हम बताते हैं आपको बढ़िया से, देखिएगा, ये आपका वो ये सिलेंडर है और ये थोड़ा मोटा हो गया बेचारा, लेकिन आप इस पे ध्यान ना दें, खाना पीना खाया रहा मोटा हो गया, नहीं हो सकता है, तुम ही खाओ पियोगे तो नहीं मोटे हो सकते हो, मोटा आदमी सही नहीं होता यार, है ना? सही होता है, बस अंतर ये है कि क्या करोगे मोटे आदमी, तकलीफ होती है यार, मैं भी थोड़ा मोटा हो रहा था, तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा अपना वेट कम कर दिया। ओके, इस बात को समझने के लिए हम आते हैं यहां पर, जो चार्ज सेंटर पे रखा गया है यहां पर, तो भाई साहब ये जो चार्ज होगा ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे करके ट्रम 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 ऐसे निकलेंगे, बोल रहा नहीं, हाँ ऐसे भी निकलेंगी, चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे मानते हैं? सिमेट्री, तो ऐसा भी हो सकता है वैसा, ये जो काली काली तेरी आंखें जो दिख रही हैं, ये क्या है काली काली, ये जो है ये काले काले भाग जो दिख रहे हैं, काली काली आंखें, ये उसके सर्कुलर पार्ट जो यहां पर है प्लेन एरिया, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये वाली कुछ कुछ, और हमें किस्सा बताना है, हमें ये बताना है, तो क्या उतना ही तो नहीं निकलेगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो नहीं होगी, कुछ कम होगी, इतना कम होगी, ये आइए हम समझते हैं। देखो जनाब, यहां पर अगर देखें इसको और इसको तो 90 होगा, और ये मिड पॉइंट पे है,
तो इसलिए ये वाला एंगल कितना 45 और ये वाला एंगल कितना 45 है ना। अब क्या होगा कि इसका जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला और ये वाला, इसका फलक सब लोग निकाले तो ये क्या बन रहा है, कोण बन गया। एक कोण ये है और एक कोण ये, दो कोण बन गए। और हमने कोण के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया है कि कोण के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, बोलो, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा होता है ना। थीटा किसके किसके बीच का एंगल, यहां पर होता है, आपको याद थोड़ा बड़ा कर करा दें, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा। वैसे मैंने एक वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किया इसको, तो आप इसे देख सकते हैं जाके डेरिवेशन ऐसा होता है। तो इसमें हम लोग इस कोण से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले फाइंड करते हैं। तो इसके कोण से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैं यहां लिख दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके लिए आप निकाल रहे हैं, कोण के लिए, कितना क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस, इनके बीच का जो एंगल है, जैसे यहां पर थीटा थीटा था तो यहां पर कितना 45, ये वाला भी 45 नहीं होगा, ये वाला भी कितना 45, तो ये वाला 45 कितना आएगी वैल्यू भाई, q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाय रूट ओवर टू, ऐसा आ जाएगा। यहां से ये कोण के लिए है भाई, बोलो इतनी वैल्यू तो आई रही कोण के लिए, लेकिन इसमें कोण कितने बन रहे हैं, एक इधर का कोण और एक इधर का कोण, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ टू कोण, तो दो कोण के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना भाई, दो कोण के लिए चलो टू का मल्टीप्लाई, इधर भी टू का मल्टीप्लाई, तो टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाय रूट ओवर टू कैंसल, यहां से टू कोण इज इक्वल टू कितना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाय रूट ओवर टू, इतना है। अब अगर हम बात उस पे चलें कि टोटल इसका फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स इसके लिए दो चीज, अगर हम इस कोण को निकाल दें यहां से तो हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा, मतलब वो सर्कुलर पार्ट से निकलने वाली फ्लक्स बच जाएगा। तो हम दोनों को ऐड करके सोचे कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल आएगा, तो देखो भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो तो आप सब जानते हो, फाइ इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं जानते हो। इसके लिए दो, इसमें एक कोण के लिए बन रहा है, तो कोण के लिए कितना बन रहा है, दो कोण के लिए बन रहा है ना, और फिर एक इसके लिए कर्व के लिए बन रहा है, तो यहां पर एक कर्व हो गया और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां पर इसको हम यही रहने देते हैं और इसे हटा देते हैं, इसे लेके चले जाओ उस पर, यहां क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस टू फाइव कोण, कोण के लिए, तो टू कोण के लिए आप तो यहां निकाले फ्लक्स, फिर दूसरे उठाते आ जाओ माइनस इसकी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बाई रूट ओवर, सॉरी सॉरी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ वन माइनस वन बाई रूट ओवर टू, अंदर मल्टीप्लाई कर लो खटाक खटाक करके, खपुच खपुच करके, अच्छा माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये प्लस हो जाएगा, तो क्यू अपॉन रूट ओवर टू एप्सिलॉन नॉट ये बेचारा कट जाएगा, और यहां पर कर्व के लिए कितना, तो यह आ जाएगा क्यू अपॉन रूट ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, ये देख लो टूटे हुए बोर्ड के पास है, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेगा इसे पास आउट करेगा, ओके राइट अच्छे से इसे देख लो बढ़िया से, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं का क्वेश्चन और, देखिए एक सवाल है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैन बी प्लेस्ड
थ्रो इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए वायर इज यूनिफॉर्म चार्ज विद द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स दैट कैन पास थ्रू द क्यूब। कह रहा है, क्वेश्चन में समझाता हूं, एक क्यूब है और उस क्यूब के इस वाले वर्टिक्स से इस वाले वर्टिक्स को क्या किया गया है, एक वायर उससे पास आउट कर दिया गया है। जो वायर है उसकी जो डेंसिटी है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर की, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई, लैम्डा। आपसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, कितना पॉसिबल हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखिए ये वाला ए है तो जाहिर सी बात है ए अगर ए है तो बताओ ये एक राइट ट्रायंगल बन जाए, नहीं बनेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए रूट ओवर टू हो जाएगी। अगर ये राइट ट्रायंगल बन गया तो यहां देखो एक इस तरह से राइट ट्रायंगल बनेगा, ये वाला पोर्शन ये है जिसे हम रूट ओवर कितना ए रूट ओवर टू कह दिए, ये है ए है तो ये कितना आएगा, ए रूट ओवर थ्री आ जाएगा। नहीं आएगा यार, इसको देखो ए है और ये बी है, तो बोलो ए बी की वैल्यू कितनी, रूट ओवर में ए रूट ओवर टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इट मीन्स ए स्क्वायर इंटू टू प्लस ए स्क्वायर, ये टोटल कितना थ्री ए स्क्वायर, इट मीन्स ए रूट ओवर थ्री आया भाई। ये इसकी लेंथ आ गई, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी उसके हिसाब से हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर तुम जानते हैं क्यू अपान एल होता है, और इसकी लेंथ कितनी है, बोलो यार क्यू अपान ए रूट ओवर थ्री, तो बोलो इसका क्यू कितना हो जाएगा, ए रूट ओवर थ्री लैम्डा। नहीं हो जाएगा, जो इस वायर में ए और बी है उसके अंदर पड़ा हुआ है उसके लिए चार्ज कितना होगा, वो चार्ज है उतना होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, बोलो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर्मूले से, लेकिन इसका चार्ज इतना पता है, ये इसका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, इतना इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि इसमें ये जो वायर है इसके एक एज से यहां से चला जाता है, तो यार यहां पर जो चार्ज है वो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो चार्ज है वो लगभग जीरो है, बहुत मामूली सा इसका चार्ज है, तो इसके लिए फ्लक्स भी क्या रहेगा, जीरो। इसके लिए फ्लक्स नहीं बनेगा, इस वाले के लिए फ्लक्स बनेगा। तो ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आना चाहिए और इसे आप नोट कर सकते हैं।